ओके सो वेलकम टू द क्लास ऑफ जेनेटिक्स और लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस ऑनलाइन सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जीन इंटरेक्शन। सो बिफोर गोइंग इन टू द टॉपिक वी शुड हैव शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ वेयर वी लेफ्ट ऑफ प्रीवियसली। तो लॉकडाउन से पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वॉज अबाउट द मल्टीपल एलील्स। ठीक है, तो मल्टीपल एलील्स हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव हैड डिस्कस दैट। बट इन ऑर्डर टू कीप द कनेक्शन विद द प्रीवियस टॉपिक थोड़ा सा इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है मल्टीपल एलील्स में। हमने पढ़ा था कि नॉर्मली जो मेंडेलियन ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जेनेटिक, तो उसके लिए हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल पेयर ऑफ द जीन्स होता है वी कॉल इट एलील्स, एलीलिक पेयर, यू नो वेरी वेल। तो उसमें हमारे पास मोस्टली जो अभी तक मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, आइदर इन एनिमल्स और प्लांट्स, तो जो करेक्टर होता है, करेक्टरिस्टिक जो ट्रेट होती है, दैट इज़ डिटर्मंड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स विच वी कॉल अलीलिक पेयर ऑफ जीन्स। तो उसमें वो दो होते हैं बेसिकली, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल। अच्छा, मल्टीपल अलील्स क्या है कि कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं जिसके लिए दो से ज़्यादा अलील्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वी हैव मोर देन टू एलील्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। ठीक है, बट अगेन वो होते हैं सेम लोकस पे, नंबर वन। नंबर टू, जो जीनोटाइप बनेगा वो बेसिकली एक सिंगल पेयर का ही बनेगा, उनमें से मल्टीपल एलील्स में से दो ही कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं कि थ्री पेयर ऑफ जो है वो जीन, सॉरी मतलब पेयर, वो दे आर इन ट्रिपलेट या इस तरह क्वाड्रपलेट, उस तरह नहीं, दो ही जो है वो पेयर के फॉर्म में होंगे लेकिन कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेगी। फॉर एग्जांपल वी हैव नॉर्मल जेनेटिक ट्रेट, मेंडेलियन ट्रेट, जैसा कि रिंकल्ड सीड शेप है और फ्लावर कलर है। तो उसमें कॉम्बिनेशन हमारे पास अगर दो अलील्स हैं तो चार कॉम्बिनेशंस बनेंगी। ठीक है, अलीलिक कॉम्बिनेशंस, लेकिन बनेंगी एक ही वो पेयर्स के अंदर। इस तरह तो मल्टीपल एलील्स में अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन है, जैसे हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स का, तो उसमें पेयर हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो सिक्स बनती है और हमारे पास फिनोटाइप्स बनते हैं। तो जीनोटाइप्स सिक्स बनेंगे, फिनोटाइप्स वो फोर बनते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये कि मल्टीपल एलील्स आर बेसिकली जो है मोर देन टू एलील्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसमें हमारे पास वैरायटी बनती है जीनोटाइप्स की और फिनोटाइप्स की, वो डिफरेंट होती है और ज़्यादा होती हैं। उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो उसमें हमारे पास फोर डिफरेंट फिनोटाइप्स है, फोर डिफरेंट ब्लड ग्रुप टाइप्स है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है पॉसिबल जीनोटाइप्स है वो सिक्स हैं। ठीक है, और वो क्यों बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो अगर हम देखें इस चार्ट में, तो इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो बनती है थ्रू ये अलील्स, IA IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनती है, जो कि यहाँ पे है थ्री अलील्स हैं, और इन थ्री अलील्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे हमें बनती है फिर हमारे पास सिक्स जीनोटाइप्स, जो बनाती हैं जिसमें जो फर्स्ट दो है पेयर के फॉर्म में वो सेम ब्लड ग्रुप टाइप बनाते हैं, ए एंड बी, देन ए बी एंड ओ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और वैसे भी ये चैप्टर आपको मिलेगा PDF के फॉर्म में, तो आप इसको फिर पढ़ सकते हैं। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स जीन इंटरेक्शन, जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, जीन इंटरेक्शन क्या है। हमने बात की मेंडेलियन ट्रेट की, एलील्स की। ठीक है, और उसमें
हमने मल्टीपल एलील्स की बात की। फिर अब जीन इंटरेक्शन क्या है, अगर हम आते हैं मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरफ, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल है कोट की गई है, राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो इनकी जो हमारे पास कम्बिनेशन बनती है, बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम पढ़ते हैं कि इनकी जो कम्बिनेशन बनती है वो बेसिकली इस तरह होती है, 9:3:3:1। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है बेसिकली, इधर देखें, हमारे पास है राउंड एंड येलो, जो प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन हैं, प्योर ब्रीड्स, वो है राउंड सीड शेप एंड येलो कलर विद रिंकल्ड सीड शेप एंड ग्रीन कलर। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि हमारे पास कम्बिनेशन डिफरेंट हो जाती है, राउंड ग्रीन के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाता है और रिंकल्ड येलो के साथ। लेकिन अगेन यहाँ पे कोई हमारे पास नया फिनोटाइप नहीं बन रहा, कोई नया ट्रेट नहीं बन रहा, कोई नया कलर नहीं आ रहा, कोई नया शेप नहीं बन रहा, ठीक है। वही ट्रेट्स हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ आ गए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास बनती हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि राउंड ग्रीन के साथ भी आ सकता है, ठीक है, एंड रिंकल्ड येलो के साथ भी आ सकता है। बट वॉट इज़ जीन इंटरेक्शन, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल इस वजह से दी गई है कि यहाँ पे बेसिक डिफरेंस होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में और जीन इंटरेक्शन में। तो यहाँ पे दो है बेसिकली जो डाईहाइब्रिड क्रॉस के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट क्या है कि जीन्स एट ईच लोकस आर इंडिपेंडेंट इन देयर असॉर्टमेंट, ये हमें पता है पहले से कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो कहती ही यही है कि डिफरेंट क्या कहते हैं एलील जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, राउंड जो है वो ग्रीन के पास भी जा सकता है और येलो जो है वो रिंकल्ड के पास भी जा सकता है। सेकंड क्या है कि द जीन्स आर इंडिपेंडेंट इन दियर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, दैट इज आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एलील्स अफेक्ट ओनली द शेप ऑफ द सीड एंड हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द कलर। एक अलीलिक पैर का इफेक्ट किसी दूसरे ट्रेट पे नहीं हो सकता, एक ट्रेट के जीन का इफेक्ट दूसरे ट्रेट पे नहीं हो सकता। सीड शेप के लिए जो अलील्स हैं वो सीड कलर को जो है अफेक्ट नहीं करेंगे, इसी तरह जो रिंकल्ड शेप है वो इसी तरह वो येलो को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, एंड सो ऑन। होता क्या है बेसिकली जीन इंटरेक्शन में, जीन इंटरेक्शन में हमारे पास होता है कि इसको हम अगर हम रीड करें इसके बेसिक डेफिनेशन को, द इफेक्ट ऑफ जीन्स एट वन लोकस डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ जीन्स एट अदर लोकस। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इफेक्ट ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लोसाई लाइक जीन्स दैट आर नॉन एलीलिक इस टर्म इज जीन इंटरेक्शन। अच्छा क्या है बेसिकली, जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है, ओके, लेकिन वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के ट्रेट्स को इफेक्ट नहीं करते, सीड शेप कलर को इफेक्ट नहीं करता, कलर सीड शेप को नहीं करता। लेकिन बाज़ कंडीशन में हमारे पास ऐसे होता है कि एक लोकस पे एलीलिक पेयर वो उसकी एक्सप्रेशन या वो इफेक्ट जो है वो क्या करता है, वो इफेक्ट करता है दूसरे ट्रेट को जो कि दूसरे एलील पे है, सॉरी दूसरे लोकस पे है। तो एक लोकस पे एक एलील पेयर ऑफ अलील वो क्या करता है या जीन इफेक्ट करता है या डिपेंड करता है दूसरे लोकस पे जो हमारे पास जीन पेयर होता है, तो ये एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। जीन्स जो है वो, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, नॉट अलीलिक, नॉन अलीलिक जीन्स एक दूसरे पे इंटरेक्ट, अलीलिक जीन्स तो करते हैं इंटरेक्शन, हमें पता है डोमिनेंस रिलेशनशिप आपने पढ़ा है, तो वो तो करता ही करता है, अलीलिक पेयर एक लोकस पे जो दो पेयर दो अलील्स होते हैं वो तो करते ही करते हैं डोमिनेंस एंड रिसेसिव। लेकिन डिफरेंट लोकस पे डिफरेंट जीन पेयर जब एक दूसरे के फिनोटाइप को इफेक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं जीन इंटरेक्शन, ठीक हो गया। अब जीन इंटरेक्शन हमारे पास इसके दो रिजल्ट्स होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं, या इसके हम विजिबल, इस क्या कह सकते हैं,
विजिबल इफेक्ट्स इसके दो हैं। नंबर वन, हमारे पास बनेंगे एक नॉवल फिनोटाइप्स, कुछ नए ट्रेट्स बनेंगे, ठीक है, इसके रिजल्ट में, कि एक अलीलिक पेयर दूसरे नॉन अलीलिक पेयर के साथ मिल के जब वो कॉम्बिनेशन में आएंगे उसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू, डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, तो कुछ नए फिनोटाइप्स बनेंगे जो कि प्योर ब्रीड्स में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो हम आगे जाके इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। और दूसरा उसमें है जो जीन इंटरेक्शन की एग्जांपल है, वो है एपिस्टेसिस, जिसमें नए फिनोटाइप नहीं बल्कि एक दूसरे के फिनोटाइप्स को मास्क करते हैं, क्या करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, उनको एक्सप्रेस करने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये दो हम पढ़ेंगे, एपिस्टेसिस एंड नॉवल फिनोटाइप्स, ठीक है। तो नंबर वन, नॉवल फिनोटाइप्स में नॉवल मीन नॉट इंग्लिश वाला नॉवल, दिस इज द साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म फॉर न्यू इज नॉवल, ठीक है। जैसे नॉवल ड्रग्स हो गए, ठीक है, इस तरह आपने बहुत सुना होगा, इफ़ इन केस किसी को नहीं पता इसका, तो नॉवल फिनोटाइप्स कहते हैं, मतलब कि न्यू फिनोटाइप्स हमारे पास बनते हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल है यहाँ पर छोटी सी, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव टू कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, कि आप लोगों के लिए स्ट्रीम करने में भी आसानी हो, तो हम टेक्स्ट के उसमें नहीं जाएंगे, ये आपको नोट्स मिलेंगे तो आप उसमें खुद जो है वो फिर रीड कर सकते हैं। हम इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे। तो जीन इंटरेक्शन दैट प्रोड्यूसेस नॉवल फिनोटाइप्स, अच्छा वो इंटरेक्शंस, जीन इंटरेक्शन की एग्जांपल हम एक पढ़ते हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास नए फिनोटाइप्स, नए ट्रेट्स बनते हैं। उसमें है एक जो हमारे पास पेपर है, पेपर शिमला मिर्च, ठीक है, इनमें एक जो कलर होता है बेसिकली वो दो होते हैं, जो प्योर ब्रीड्स होते हैं, प्योर स्ट्रेन होते हैं, दैट इज़ रेड पेपर एंड ग्रीन पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्योर ब्रीड्स हमारे पास हैं रेड एंड ग्रीन, यही दो इसके प्योर स्ट्रेन हैं, ठीक है। अब इसके हम F1 क्रॉस जब करेंगे तो ऑब्वियसली रेड इज़ डोमिनेंट, तो वो ग्रीन पे डोमिनेंट आएगा। F1 जनरेशन हमारे पास जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस होगी, पर फिनोटिपिकली वो होगी रेड होगी, ठीक है उसकी। अब F1 क्रॉस में जब हम F2 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो वही डायहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस है, और उसमें रिजल्ट हमारे पास आया है 9:3:3:1, लेकिन ये डिफरेंट आया है, ठीक है। अगर हम पिछले एग्जांपल में देखें जो रिंकल और पी प्लांट्स के जो एग्जांपल है रिंकल और फ्लावर कलर की, तो उसमें 9:3:1 उसमें भी था, लेकिन उसमें कुछ नए स्ट्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हुए थे, नए फिनोटाइप्स या नए ट्रेट्स प्रोड्यूस नहीं हुए थे, वही रिंकल येलो एंड ग्रीन एंड राउंड जो है वो आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राउन और येलो न्यू, दो न्यू कलर्स अराइज हुए हैं, ठीक। ये कैसे, यहाँ पे पूरी इसकी लॉजिक है जीन इंटरेक्शन की जो इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन हुई है। तो इन शॉर्ट वो ये है कि द जो डोमिनेंट अलील है आर, वो रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो रिसेसिव अलील है आर, वो कोई पिगमेंट प्रोड्यू, वो रेड पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, सिंपल है। आर रेड प्रोड्यूस करता है, स्मॉल आर जो रिसेसिव है वो प्रोड्यूस रेड नहीं करता। इसी तरह डोमिनेंट अलील जो सी है वो क्या करता है सेकेंड लोकस पे, वो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर बनता है ये बेसिकली क्लोरोफिल का जो कलर है उसी से बनता है। तो ये सी जो कैपिटल सी है, ये जहाँ पे आएगा वहाँ क्या होगी कि ग्रीन पिगमेंट अराइज नहीं होगा, वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज मीन ख़त्म होगा, तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, ग्रीन कलर नहीं बनेगा। लेकिन जो रिसेसिव अलील है सी, वो क्लोरोफिल को परसिस्ट रहने देता है, तो वो जब सी आएगा रिसेसिव फॉर्म में तो ग्रीन बनेगा हमारे पास, विच इज़ रिसेसिव ट्रेट। अब यहाँ देखें वही F2 जनरेशन में जो पॉसिबिलिटी है, अगर आप हम देखें तो वही डाईहाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पे ब्राउन एंड येलो दो कलर्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो वो कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, अगर हम देखें इधर तो ब्राउन में हमारे पास कैपिटल आर आया है, विच मीन्स के कैपिटल आर विल प्रोड्यूस रेड, रेड कलर प्रोड्यूस होगा बिकॉज दिस इज़ डोमिनेंट। लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन में आया है ये रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल सी, ठीक है, विच इज़ फॉर ग्रीन कलर। तो अब सी भी एक्सप्रेस होगा बिकॉज दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ
होमोजाइगस रिसेसिव, तो वो एक्सप्रेस होगा, तो दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं। देखें, आर भी एक्सप्रेस हुआ रेड और स्मॉल सी जो है वो ग्रीन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो रिजल्टेंट हमारे पास एक एडिशनल कलर बना ब्राउन। अगर आप देखें, गौर करें, कॉमन सेंस यूज़ करें, तो ब्राउन जो डार्क कलर है ये कैसे बनता है, रेड और ग्रीन को अगर आप मिक्स करेंगे तो उससे ब्राउन बनता है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। तो इट मींस के ये इंडिपेंडेंटली असॉल्ट हुए रेड और ग्रीन, लेकिन इन्होंने दोनों दोनों ने अपना इफेक्ट शो किया, ठीक है, एक दूसरे को इफेक्ट किया, ना एक का कलर शो हुआ दानूद दूसरे का, बल्कि एक नया फिनोटाइप बना। इसी तरह आते हैं थर्ड केस में, विच इज़ येलो कलर। अब येलो कलर में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आर आर है, स्मॉल आर होमोजाइगस फॉर्म में आया है, इट मींस कि ये कोई रेड पिगमेंट शो नहीं करेगा। जैसे हमने पढ़ा कि जो आर जीन है रेड के लिए जो रिसेसिव है वो कोई रेड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अदर हैंड यहाँ पे हमारा तो कोई कलर नहीं हुआ, ऑन द अदर हैंड उसमें हमारे पास एक कैपिटल सी आया है। कैपिटल सी का काम क्या था, जहाँ हमने पढ़ा कि कैपिटल सी एट द सेकेंड लोकस काज डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, तो ये ग्रीन पिगमेंट को डिकम्पोज करेगा। अब दूसरे साइड पे स्मॉल सी आया या जो भी आया वो क्या करेगा, ग्रीन, लेकिन अगर आप ग्रीन को क्या करें, ग्रीन कलर को अगर आप डिकम्पोज करें हाफ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी एक आया है, तो वो उसको डिकम्पोज करके, हाफ डिकम्पोज करके येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों के रिजल्टेंट एक नया फिनोटाइप बना, विच इज़ विच वी कॉल नोवल फिनोटाइप। सो दिस इज़ बेसिकली जीन इंट्रैक्शन, के जीन्स एक एट वन पेयर एट वन लोकस अफेक्ट द जीन्स ऑफ अनदर लोकस और नए फिनोटाइप्स उससे बनते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, दैट इज़ अबाउट जीन इंट्रैक्शन एंड क्या न्यू फेनोटाइप्स। अच्छा, अब जीन इंटरेक्शन विद ईपीस्टेसिस। ईपीस्टेसिस क्या है, ये बहुत सिंपल है, ये हमने थोड़ा पढ़ा भी था। बेसिकली ये सारा चैप्टर हम सॉरी ये जो टॉपिक है हम पहले भी इसमें ये हमने पढ़ा था, लेकिन ज़रा क्लियर नहीं था, तो उसमें ईपीस्टेसिस हमने डिस्कस किया था कि ईपीस्टेसिस मीन के वो जीन इंटरेक्शन जो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के इफेक्ट को मुकम्मल ख़त्म करते हैं, कैंसिल करते हैं। अच्छा, इपिस्टेसिस और डोमिनेंस रिलेशन में बड़ा एक वो है रिलेशन है। डोमिनेंस रिलेशन क्या है कि एक ही अलीलिक पेयर में एक जीन दूसरे जीन को उसके इफेक्ट को हाइड करता है, लाइक डोमिनेंट आता है तो रिसेसिव को सप्रेस कर देता है, ठीक है। अब इपिस्टेसिस क्या है कि नॉन अलीलिक जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे को मुकम्मल हाइड कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो इसमें भी या पढ़ सकते हैं फिर इसको भी हम ज़रा शॉर्टली करेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी आपको रिवीजन लगेगी, बिकॉज़ ये टॉपिक हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर वो बीच में से ख़त्म हो गया था, मतलब कि स्टॉप हो गया था, जो सिचुएशन बन गई थी, तो इस वजह से ये ज़रा आज फर्स्ट लेक्चर एक ट्रायल भी है और एक रिवीजन भी है, ठीक है। तो उसमें फिर इपिस्टेसिस में हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी चिकन कॉम्ब की, लेकिन इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें जो टाइप्स हम पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ के हम एक एग्ज़ाम्पल को लेकर चले, तो हम टाइप्स डिस्कस करके इसको डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स के साथ शॉर्टली पढ़ते हैं। तो उसमें है कि जो हमारे पास इपिस्टेसिस है ये क्या है कि अच्छा, समटाइम्स द इफेक्ट ऑफ जीन इंटरेक्शन इज दैट वन जीन मास्क हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन एट अ डिफरेंट लोकस, अ फिनोमिना नोन एज इपिस्टेसिस, ठीक है। यहाँ पे फिर कहा है कि ये सिमिलर है डोमिनेंस के साथ, लेकिन वो डोमिनेंट अलीलिक जीन में होता है, ये नॉन अलीलिक में होता है। तो इसमें द जीन दैट डज मास्क द अदर इज कॉल्ड इपिस्टेटिक जीन, और जिस जीन को हाइड किया जाए उस बेचारे जीन को कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन, ठीक है। और ये बड़ा सिंपल है, इसमें रिसेसिव तीन टाइप्स हमारे पास, रिसेसिव इपिस्टेसिस, डोमिनेंट इपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट रिसेसिव इपिस्टेसिस। तो रिसेसिव इपिस्टेसिस जो है
वो क्या है कि कोई ऐसा जीन पेयर जो कि दूसरे जीन को हाइड करे, उसके इफेक्ट को, उसके एक्सप्रेशन को हाइड करे, लेकिन वो खुद एक रिसेसिव जीन हो। बहुत सिंपल है, ठीक है? आप ये टेक्स्ट खुद पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। यहाँ लेबराडोर जो डॉग्स हैं उनके तीन कलर्स होते हैं, कोट कलर्स, ब्लैक, ब्राउन एंड येलो। तो ये उसकी एग्जांपल है, हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते ड्यू टू द प्रॉब्लम कि हमारे पास टाइम वीडियो के लिए कम होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में सिर्फ वो ये है कि जो टाइप है रिसेसिव एपिस्टेसिस के, कोई ऐसा जीन जो कि क्या करे, एपिस्टेसिस करे, हाइड करे दूसरे जीन को, लेकिन वो खुद एक रिसेसिव जीन हो, उसको हम रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी फॉर ब्लैक कलर, ई जो है वो क्या करता है, जो ई अलील है वो ब्लैक या ब्राउन को, अच्छा जो कैपिटल बी है वो ब्लैक को कोट करता है, स्मॉल बी ब्राउन को करता है, ठीक है? लेकिन ई जो है वो उनके जो पिगमेंट है उसकी डिपोजिशन के लिए मस्ट है, ठीक है? तो अगर ई आएगा किसी भी फॉर्म में तो वो ब्लैक होगा उसके साथ, तो वो ब्लैक डिपॉजिट होगा कलर, और अगर ब्राउन होगा तो ब्राउन कलर डिपॉजिट होगा, सही है? तो और जब दोनों स्मॉल ई आएंगे रिसेसिव फॉर्म में तो फिर वो येलो बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि येलो एक रिसेसिव है पेयर, लेकिन थर्ड फॉर्म में, थर्ड केस में ये ब्लैक होना चाहिए, बिकॉज ब्लैक इज़ अ डोमिनेंट कलर। लेकिन वो यहाँ पे क्या है, अपने एलीलिक पेयर में तो डोमिनेंट है ब्राउन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जब ये होमोजाइगस रिसेसिव ई के साथ आया तो होमोजाइगस रिसेसिव ई ने उसको मास्क कर दिया, हाइड कर दिया, और इंस्टेड ऑफ ब्लैक वहाँ पे हमारे पास येलो कोड कलर बना। देखें यहाँ पे, तो एक रिसेसिव जीन ने एक डोमिनेंट जीन को नॉन अलीलिक पेयर में क्या किया, इपिस्टेट कर दिया या उसको हाइड कर दिया। दिस इज रिसेसिव। इसी तरह डोमिनेंट इपिस्टेसिस, बहुत सिंपल, इसके अपोजिट के हमारे पास कोई ऐसा पेयर हो जो कि किसी दूसरे जीन पेयर को हाइड करे उसके इफेक्ट को, लेकिन वो खुद डोमिनेंट हो, ठीक है? तो ये और भी लाइक सिंपल है, और उसमें हमारे पास एग्जांपल है, एक स्क्वाश एक फ्रूट है या वेजिटेबल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, हमारे साइड पे नहीं होता, यूरोप में होता है, ठीक है? स्क्वाश मैंने तो कभी नहीं देखा पर्सनली, इस वजह से मुझे नहीं पता कि ये फ्रूट है, वेजिटेबल है, जो भी है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर, ये है। अच्छा, इसके तीन कलर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? वाइट, ग्रीन एंड येलो। अब यहाँ पे एक थर्ड वो आया है येलो, और येलो जो है वो एक इंटरमीडिएट ट्रेड है। वाइट जो है वो कैपिटल वाई और जो कैपिटल डब्ल्यू आएगा, तो ये वाइट जो है वो डोमिनेंट है। अब जब रिसेसिव आएगा तो वो ग्रीन स्क्वाश बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट स्क्वाश वो दूसरे जो रिसेसिव वाई है जिसने खुद को एक्सप्रेस करना था, वाइट ने उसको डोमिनेट कर दिया, जो कि नॉन एलीलिक है और उसने इसको डोमिनेट कर दिया, तो वाइट बना यहाँ पे। सो दिस इज़ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो वो एपिस्टेसिस इफेक्ट जो कि किसी डोमिनेंट जीन की वजह से आ जाए, दैट इज़ डोमिनेंट डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। अच्छा, ये भी रिसेसिव की ही फॉर्म है, लेकिन डुप्लीकेट में ये है कि एक ऐसे ट्रेड्स कुछ हमारे पास, ये है एल्बिनिज्म में, एल्बिनिज्म यू नो जो वाइट वो क्या कहते हैं उसको, जब एनिमल्स में होता है ये कि जो पिगमेंट्स है, बॉडी पिगमेंटेशन है, वो डिपॉजिट नहीं होती, और वाइट जो है वो ह्यूमन में भी होता है, ठीक है? इस तरह ये स्नेल्स के अंदर यहाँ पे एग्जांपल है। तो इसमें भी दो पेयर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, और ये कुछ पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट ए बी, वो फिर इसकी डिटेल है उसमें नहीं जाता है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी की है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है कि आप इसको पढ़ें तो ये समझ आएगी आपको इस फिनोमिनन की। लेकिन इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि यहाँ पे बेसिकली है क्या डुप्लीकेट रिसेसिव। डुप्लीकेट रिसेसिव, नंबर वन, रिसेसिव जीन्स
होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे तो वो वहाँ पे उसके साथ अपोजिट अलील पे, अपोजिट लोकस पे जो भी आएगा, वो चाहे डोमिनेंट हो रिसेसिव, वो उसको मास्क हाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों ए और बी जो पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दोनों रिसेसिव जो है वो आएंगे तो एक ट्रेट बनेगा, दैट इज़ एल्बिनिज्म, अल्बिनो बनेगा वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, इन दोनों में से ये दोनों आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, अल्बिनो क्रिएट करेंगे। तो डुप्लीकेट मतलब कि सिर्फ एक रिसेसिव पेयर नहीं, दो रिसेसिव पेयर्स जो है वो एक दूसरे पेयर्स को हाइड करेंगे, उसके इफेक्ट को हाइड करेंगे, विच इज़ बेसिकली डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। सो कटिंग द वीडियो शॉर्ट, देट वॉज टूडेज टॉपिक। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था देट वॉज जीन इंट्रैक्शन। तो ये चैप्टर है चैप्टर 5, आपके आपको जो बुक मैंने रिकमेंड कराई थी उसी का है। और इसके अंदर हमारा मल्टीपल अलील्स का टॉपिक, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है। और जीन इंटरेक्शन में हमने ये नोवल फिनोटाइप प्लस जीन इंटरेक्शन विद ईपीस्ट, अच्छा जो ईपीस्टेसिस वाला एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है, इसके ये टाइप्स हैं। तो यहाँ तक, दैट्स इनफ फ्रॉम दिस चैप्टर। हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। अब हम ज़रा अगर हम ओवरव्यू में जाए पिछला, तो अभी तक जो हमने कोर्स किया था हिस्ट्री और फिर जेनेटिक्स, उसमें हम जीन कॉन्सेप्ट पे हमने ज़रा ज़्यादा टाइम लिया था, बट वो इम्पोर्टेंट था। तो जीन कॉन्सेप्ट, मॉडर्न जीन कॉन्सेप्ट से फिर हम आए थे मेंडेलियन की तरफ। मेंडेलियन में हमने बेसिक जो ट्रेट्स हैं उनकी बात की, फेनोटाइप जीनोटाइप की, इस तरह मल्टीपल एलील्स, और यहाँ तक जो था वो डील कर रहा था विद जीन्स, जीन कॉन्सेप्ट, जीन कॉम्बिनेशन, मेंडेलियन जेनेटिक्स प्लस ये जो मल्टीपल अलील्स एंड जीन इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो होगा क्रोमोसोमल जो है जेनेटिक्स, और वो होगा कि चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर्स, और फिर आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो ये चैप्टर आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, और हाइलाइटेड पोर्शन जो है ये यू हैव टू हैव गुड स्किमिंग थ्रू दिस टेक्स्ट, और आप लोग ने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो हाइलाइटेड पोर्शन है उसके से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड पढ़ें, पर हमारे कोर्स के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट पोर्शन मैंने हाईलाइट किए। सो साइनिंग आउट फॉर टुडेज लेक्चर।